चीन ने एक बार फिर से गुस्ताखी की। आरोप है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा में घुसकर एक लड़के को अगवा कर लिया। पीएलए पर अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले से एक 17 साल के लड़के को अगवा करने का आरोप लगा। बुधवार को प्रशासन ने भारतीय सीमा से लड़के के अगवा किए जाने की जानकारी दी। अगवा किए गए लड़के का नाम मेरान तारोन बताया जा रहा है। मेरान तारोन जिडो गांव का रहने वाला है। जिला प्रशासन का कहना है कि मीराम को मंगलवार को अगवा किया गया। मीराम तारोन उस ग्रुप का हिस्सा था जो दोनों देशों की सीमा के पास शिकार कर रहा था और उसी समय उसे अगवा किया गया था। अधिकारी ने बताया कि लड़के को जल्द से जल्द छुड़वाने की कोशिश जारी है। एक नौजवान को पीएलए द्वारा कब्जे में लेना इस हद तक चिंता का विषय है कि इससे वहां पर एलएसी के नजदीक बसी आबादी पर डर पड़ सकता है और उनके मन में भय पैदा हो सकता है। चीन पूरे अरुणाचल को अपना मानता है। चीन की असली मंशा क्या है इसे जानना मुश्किल है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल ईस्ट से सांसद तापिर गाओ ने इस घटना को लेकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने भारतीय एजेंसियों से मदद मांगी, वो जल्द से जल्द लड़के को छुड़ाने की कोशिश करें। बीजेपी सांसद ने बताया कि लड़के का एक दोस्त पीएलए के चंगुल में फंसने से बच गया और उसने ही प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवक के कथित अपहरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया। हम मीराम तारोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम के बुज़दिल चुप्पी उनका बयान है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपको याद दिला दें कि सितंबर 2020 में तागिन समुदाय के 5 लोगों को अगवा कर लिया गया था। इन सभी लोगों को अपर सुबनसिरी जिले में भारतीय सीमा के अंदर से अगवा किया गया था। इस घटना के बाद अगवा किए गए लोगों में से एक युवक के भाई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी थी। इस घटना को लेकर बाद में ये जानकारी सामने आई थी कि ये लोग जड़ी बूटी की तलाश में भूलवश सीमा पार कर गए थे। 10 दिनों के बाद चीनी अथॉरिटी ने इन लोगों को भारत को सौंप दिया था। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।